असलम व्यवर्स uh, मेरे साथ मौजूद हैं मस्टंग क्रिकेट क्लब के uh, कैप्टन हार्डलाक हुई आज उनके साथ बड़ा अच्छा दोनों टीम की तरफ से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया गया बैटिंग से बॉलिंग से आज इनसे गपशप करते हैं जी असल उमर भाई अस्सलाम जी हार्ड लाख बहुत मज़ा आया यकीन करें आज हमारे नाजीन को भी व्यूअर्स को भी दोनों टीमों के दौरान बड़ा कांटेदार नेट नट मुकाबला गया नहीं मैच बहुत अच्छा हुआ और बस वही वाली बात कि एक साइड ने जीतना एक साइड ने हारना है हमने आज आखिर में लूज़ किया मैच और शायद एक बॉलर शॉट भी थे हम लोग जो एक इंजर्ड भी हो गया बीच में तो बाकी उस तो यूनर्स ने भी आखिर में बहुत अच्छी बैटिंग की और वही डिफरेंस पड़ा आखिर में तो आपके पास क्यों आप आज मुकम्मल तौर पर बैटिंग और बैटिंग तो आपकी बड़ी टॉप ऑर्डर रही है और आपने 162 बड़ा अच्छा टारगेट है इतना कम टारगेट नहीं है बट आप एक बॉलर शार्ट था आपका ऊपर से एक बॉलर आपका इंजर्ड भी हो गया था हमारा बेसिकली पहले दस ओवर में जैसे स्कोर था हम बैटिंग में भी थोड़ा स्कोर हमारा पंद्रह बीस रन शॉर्ट थे वो भी एक डिफरेंस था और ऊपर से फिर इंजर्ड भी हो गया बॉलर एक और बॉलर शार्ट भी था तो ये मेन डिफरेंस बना आज मैं ओवरऑल अच्छा मुकाबला होगा कोई नहीं इनशाला नेक्स्ट टॉर्नमेंट ये नैटला नेक्स्ट टाइम जी ये पार्ट ऑफ गेम है माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया टूर्नामेंट के अंदर और बड़ा नेट टू नेक, दो मुकाबले आपके गए नक टू नेट नेक, एक पहला मैच हुआ था आपका वो भी नेट नेक टू था यह भी मैच था आपका नेक, नेक्ट नेट टू नेट गया तीन मैच खेले आपने तीन लॉस के कोई बात नहीं ट्राई 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 अगेन बेसिकली टूर्नामेंट uh, में सारी टीमें बहुत अच्छी हैं बड़ी स्ट्रांग हैं इसीलिए कि एक मैचेस कहीं भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं ओवरऑल ये है कि हमने ठीक खेला है बुरा नहीं खेला लेकिन उनकी थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश है इनशाला नेक्स्ट टाइम तो हर वक्त मौजूद होती है हर टीम के अंदर मौजूद होती है जी जी बिल्कुल ऐसा ही है हार्ड लाख बैठा नेक्स्ट टाइम जी जी मेरे साथ मौजूद थे उमर और ये कैप्टन थे मस्टंग के और उनका कहना यही है कि आज डेफिनेटली यूनिफ ने बहुत अच्छा खेला और जिसके कारण आज वो मैच उन्होंने विन किया और आज के मैन ऑफ द मैच भी वही हैं और मैं इंशाल्लाह आपको और वन्यू में किसी और टीम के साथ इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे सेहत अता करे और मेरी आप तमाम व्यूअर्स से और मेरे जितने भी देखने वाले हैं चाहने वाले हैं प्यार करने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है प्लीज़ जब आप लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर आया करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कमेंट किया करें और जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपका यही प्यार देखता रहूँगा और इसी प्यार की बदौलत में आज इस एक स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ ये तमाम आपकी बदौलत है मैं इनशाला फिर किसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़